नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में देशव्यापी लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन को 3 मई तक लागू किया गया है। पहले पीएम मोदी की तरफ से 22 मार्च के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जिसमें शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाने के लिए कहा गया था। इसके बाद 24 मार्च की रात 12 बजे से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इन 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच 5 अप्रैल को सभी देशवासियों से दिए जलाने की अपील की गई थी। कोरोना के मद्देनजर हालातों को काबू रखने के लिए पीएम मोदी की तरफ से लॉकडाउन को 19 दिन यानी कि 3 मई तक के लिए और बढ़ा दिया गया। इस बीच बीते दिन कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को रोशन कर कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई है। इन धरोहरों में दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं मकबरा, कोलकाता का मेटकाफ हॉल, करेंसी बिल्डिंग और कूच बिहार पैलेस म्यूजियम शामिल है। आप दिए की रोशनी से जगमगाती ऐतिहासिक धरोहरों को देख सकते हैं किस तरह कोरोना काल में जगमगा उठी है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इन धरोहरों को पीएम मोदी की अपील पर रोशन किया गया, तो इसका जवाब है नहीं। ऐतिहासिक धरोहरों को कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए रोशन किया गया है, लेकिन इसकी अपील पीएम मोदी ने नहीं की है, बल्कि बीते शनिवार को वर्ल्ड हेरिटेज डे पर भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को रोशन किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन इमारतों को रोशन कर कोरोना महामारी के खिलाफ दिन रात काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति एकजुटता प्रदर्शन करने और इस बीमारी से जीतने के लिए इन इमारतों को उम्मीद की किरण से रोशन किया गया था। खैर, ये तो साफ है कि जिस तरह से हर मौके पर पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए एकजुट दिखाई दे रहा है, वो इस बात का संदेश दे रहा है कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।